हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जी एलस्टॉम स्नाइडर मिकॉम कंपनी की जो भी रिले होती है P40 अजाइल सॉफ्टवेयर या आप ई सर्जी के द्वारा कैसे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी इस तरीके का PSL कैसे बना सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सेटिंग की वीडियो पहले ही बना रखी है, तो आप चैनल पर आकर के उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग प्रो से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैं आप इसका प्रोग्राम बनाना सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज देख सकते हैं फ्रेंड्स, PSL का डिफॉल्ट फाइल मैंने पहले ही इसमें ले रखी है। मैं इसको डिलीट करता हूं और रिले से इसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। पहले हम इसका कनेक्शन को टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं, टेस्ट कनेक्शन करना मैंने पहले भी आपको जो मेरी दूसरी वीडियोज़ में मैंने सिखा रखा है। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टेस्ट हमारा ओके चेक कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं रिले से फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने रिले को पहले ही कम्युनिकेट किया हुआ है। रिले को कम्युनिकेट करना फ्रेंड्स मैंने पहले सिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देख सकते हैं, हम यस करेंगे और यहाँ से हमारा जो रिले से डेटा है वो आना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिले से जो हमारी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। पासवर्ड मांगता है फ्रेंड्स फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पासवर्ड फ्रेंड्स कैपिटल A4 टाइम से मैंने पहले बता रखा है, तो आप कैपिटल A4 टाइम्स डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिले से डेटा है वो आना शुरू हो जाएगा और फाइल यहाँ पे बन जाएगी। PSL जो फोल्डर है, देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर फाइल बन जाएगी जो है 00 के नाम से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। इसको हम क्लोज करेंगे तो वहाँ पर आपको 00 के नाम से एक PSL फाइल बनी हुई दिखाई दे जाएगी। देख सकते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 00 के नाम से एक फाइल बन गई है। ओपन करेंगे फ्रेंड्स इसको हम। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा इंटरफेरेंस आता है यहाँ पे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जूम बटन होता है इस पेज को जूम करने के लिए। देख सकते हैं प्लस वाले जो सिंबल होता है, इससे जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज जूम हो जाता है। देखिए, जूम करने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, क्या क्या इनपुट है, उनकी नेमिंग भी पूरी आपको आ जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर हमने जो ऑप्टो इनपुट और हमारे जो रिले आउटपुट होते हैं उनको रिनेम करना सिखाया था, कि कैसे रिनेम कर सकते हैं, वही पूरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, जो भी लिखा है आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देख फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला इनपुट यहाँ पे ACB इन सर्विस, लाइन PTMCB ऑन, इस तरीके से जो भी इनपुट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही इनपुट फ्रेंड जो है मैं आपको सेटिंग के अंदर दिखा दूंगा। देखिए, ACB ऑन, बाकी इनपुट जो है फ्रेंड्स वो हम यूज नहीं किए हैं। देख सकते हैं सभी इनपुट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने रीनेम कर रखा है। ये फ्रेंड्स आपको मैं जो सेटिंग वाली फाइल है उसमें दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये मैंने रीनेम किए थे। देख सकते हैं, मैं सेटिंग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से हमने ये चेंज किए थे। ग्रुप वन के अंदर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल, इसके अंदर हमने रिनेम किया था। देख सकते हैं यहाँ पे रिनेम हो रखा है। देख सकते हैं बिल्कुल वही लेबलिंग है जो मैंने आपको PSL जो फाइल है उसके अंदर दिखाया था, लिखा बिल्कुल वही लिखा हुआ है। देख सकते हैं TCS पोस्ट और प्री लिखा हुआ है, जो हमारा इनपुट 9 और 11 है, 9 और 10 है। देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए TCS प्री एंड पोस्ट, और जो है ये यहाँ से इनपुट लिए जाते हैं, जहाँ से अभी मैंने क्लिक करके इनपुट उठाया था। अभी आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कौन सा फंक्शन कैसे कहाँ से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम जो रिले की डिफ़ॉल्ट फाइल है उसको हम सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं और अपने तरीके से हम इसमें प्रोग्राम आपको बनाना सिखाएंगे। देखें, मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है, जो ये PSL का पेज है इस पर हम प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे। तो कहाँ से कैसे कौन सा इनपुट लिया जाता है आपको डिटेल में पूरा पूरा बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले टूल बार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा क्रिएट ब्लैंक स्कीम, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो न्यू फाइल। इससे आप क्रिएट डिफ़ॉल्ट स्कीम क्रिएट कर सकते हो, और यदि आपके पास पहले से कोई फाइल है तो उसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। और जब हम स्कीम यहाँ पे बनाते हैं फ्रेंड, इस वाले फंक्शन से भी इसको सेव कर सकते हैं, और जो स्कीम मैंने बनाई उसको आप एज ए डिफ़ॉल्ट PDF में सेव कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हो। ये देख सकते हैं रेड रो है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये DDB नंबरिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप कैलकुलेट CRC कर सकते हैं, और ये फ्रेंड जो आता है कंपेयर फाइल कर सकते हैं, यानी दो फाइलों में कीजिए आप कंपेयर कर सकते हैं। फाइंड टैक्स, यानी आप यहाँ पे जो भी टैक्स लिखा उसको फाइंड कर सकते हैं, जो भी लिखा है ये सेलेक्ट के लिए है, और ये जूम इन और जूम आउट के लिए है, और ये फ्रेंड जूम के लिए मैग्नीफायर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जूम टू फिट है जो नेक्स्ट वाला आ जाए, ये जूम टू फिक्स है, यानी आपको जो फिक्स जूम करना है उसके लिए आप कर सकते हैं यहाँ से इस बटन को दबा करके। जूम टू सेलेक्शन, यानी जिस पार्ट को आपको जूम करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पेन है और ये लिंक है, दो जो हमारे ब्लॉक होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए लिंक होता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, जो नेक्स्ट है ये ऑप्टो इनपुट है, जिसको हम ऑप्टो सिग्नल भी कहते हैं। ये इनपुट सिग्नल है सेंसिंग,
और ये आउटपुट सिग्नल है, ये भी सेंसिंग है, ये गोज इन है फ्रेंड्स और ये गोज आउट है। नेक्स्ट वाला जो है इनका हमारा इनको हम यूज नहीं करते हैं। इसी प्रकार ये इंटीग्रल ट्रिपिंग इन है और ये इंटीग्रल ट्रिपिंग आउट है, जो नेक्स्ट वाला होगा फ्रेंड्स देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ पेज लेफ्ट है, इसी प्रकार ऑफ पेज राइट है, ये देख सकते हैं कंट्रोल इन सिग्नल है और ये FRT फ्रेंड्स फॉल्ट ट्रिगर सिग्नल है। और ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे LED सिग्नल है और जो हमारा रिले कॉन्टैक्ट होता है उसका ये कॉन्टैक्ट सिग्नल है। और ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो रेड वाला है ये हमारी LED है, यानी आपको रेड LED या ग्रीन LED या आपको येलो LED लेना है, यहाँ से सिलेक्शन ये कॉन्टैक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट कंडीशनर है। और ये आप देखेंगे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है ये टाइमर है, यहाँ से यदि आपको टाइमर ऑफ डिले ऑन डिले पिकअप जिस पर भी यूज करना है टाइमर यहाँ से ले सकते हैं। ये एंड गेट है और ये और गेट है और ये प्रोग्रामेबल गेट है, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये SR लेच है यानी कि सेट रिसेट लेच है और ये काउंटर है। इस प्रकार इस टूल का यूज करके हम यहाँ पे जितने भी टूल बार में हमारे टूल दिए गए हैं इनका यूज करके हम यहाँ पे इसका लॉजिक आपको बनाना सिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे एक और गेट लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा ओवर करंट होता है उसके लिए एक और गेट पे सभी जितने भी ओवर करंट के हमारे सिग्नल हैं उसको हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ से इनपुट लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे ओवर करंट की फर्स्ट स्टेज का हम यहाँ से लेंगे। देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वहाँ से उठाया है हमने ये, और इसमें काफ़ी सारे सेंसिंग इनपुट होते हैं। यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी सिग्नल ले सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हमने यहाँ पे i > 1 लिया है ट्रिप में, इस प्रकार यहाँ पे i > 2 ट्रिप में हम यहाँ पे इसको लेंगे। देखिए इस तरीके से आप यहाँ से जो भी सिग्नल को आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे मैं ओवर करंट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी 3 या 4 स्टेज आपको लेकर के दिखाऊंगा, उसके बाद इसको हम और गेट में कनेक्ट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ दिखाई देता रहे, लिंक से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से लिंक लेंगे और यहाँ से इसको टच करेंगे और क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इधर 1 पे ला करके छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से जुड़ जाता है। यहाँ पर क्लिक करना होता है ये इस पर जुड़ जाता है। देखिए इस तरीके से उठा करके इसको आप जोड़ सकते हैं, इसके क्लिक पर लाएंगे और यहाँ पर इसको ला करके छोड़ देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए ओवर करंट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है वो बन गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे और गेट दोबारा लेंगे हम अर्थ फोल्ट के लिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे अर्थ फोल्ट को भी कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसमें सभी ओवर करंट अर्थ फोल्ट थर्मल सभी यहाँ पे आपके सेंसिंग इनपुट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप ये कर्सर की सहायता से आप इसको ऊपर नीचे करके यहाँ से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से उसको उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको अर्थ फोल्ट के लिए आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट सिग्नल है, फोल्ट सिग्नल है, यहाँ से ले सकते हैं। देखिए एक ब्लॉक फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ओवर करंट का बनाया, दूसरा हम फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थ फोल्ट का बनाएंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे i n 1 greater than 1 ऐसे ही i n 1 greater than 2 अर्थ फोल्ट के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिए हैं। इसको हम लिंक की सहायता से फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, जैसे जुड़ गया उसके बाद 1 पे ला के छोड़ देंगे और गेट पे। देख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे एलिमेंट को और यहाँ पे तीसरे एलिमेंट को और गेट के साथ यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों को यानी कि जो हमारा जो है फ्रेंड्स ये ओवर करंट के 3 एलिमेंट है और अर्थ फोल्ट के 3 एलिमेंट है, इनको हम थोड़ा सा ड्रेस करेंगे। उसके बाद इसके सामने भी एक और गेट बना करके इसका सिग्नल सिंगल इनपुट हम यहाँ से निकालेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का सिग्नल भी हम यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ओवर करंट अर्थ फोल्ट एंड ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का सिग्नल बनाएंगे पहले हम, उसके बाद इसको हम एक मेन जो हमारा गेट है उस पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले एक और गेट और लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक और गेट और ले लिया है। उसके बाद यहाँ से हम एलिमेंट से जो है इनपुट एलिमेंट से यहाँ पर हम इसमें अंडर वोल्टेज के लिए सिग्नल देंगे इसके और गेट में। तो देख सकते हैं इसकी 2 स्टेज होती है, दोनों स्टेज हम यहाँ पे और गेट के अंदर दे देंगे, यानी पहली स्टेज या दूसरी स्टेज से जो सा भी ऑपरेट होगा उसी से यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। देख सकते हैं आप सिंगल फेज के लिए भी ले सकते हैं VN1 VN2 जो कि ओवर वोल्टेज है सिंगल फेज के लिए, इसी प्रकार V2 greater than 1 ये ओवर वोल्टेज है सेकंड स्टेज के लिए,
इसी प्रकार यहाँ पे हमने यहाँ पे वी लेस देन वन लिया है अंडर वोल्टेज के लिए, देख सकते हैं इसको इसी तरीके से लिंक के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी सेकंड स्टेज ले लेंगे, इसी प्रकार देख सकते हैं वी लेस देन टू जो कि इसकी सेकंड स्टेज होती है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। देखिए हमने ले लिया है, उसके बाद लिंक की सहायता से इसको यहाँ पर एड कर देंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमारा अंडर वोल्टेज के लिए ब्लॉक बन गया है। अब हम यहाँ पे ओवर वोल्टेज के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉक लेंगे देखिए, और उसको यहाँ पे हम इसी से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ओवर वोल्टेज वी ग्रेटर देन वन, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। इसी प्रकार वी ग्रेटर देन टू, ये इसकी सेकंड स्टेज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप अलग अलग फेज के लिए भी ओवर वोल्टेज कर सकते हैं, बी ओब्लिक बी सी, इसी प्रकार ट्रिप सी सी ओब्लिक सी सी ए। देखिए हमने सेकंड स्टेज यहाँ पे वी ग्रेटर देन टू यहाँ पे ले लिया, इसी को इसी और गेट के अंदर हमने ऐड कर दिया, यानी अंडर वोल्टेज आए या ओवर वोल्टेज आए तो यहाँ से हमारा सिग्नल आउटपुट निकल जाएगा। मैं आपको इसका फंडा बता दूंगा कि और गेट और एंड गेट काम कैसे करता है। देख सकते हैं अभी जो ब्लू पे हमने जो टूल बार में ब्लू दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है फ्रेंड्स आउटपुट रिले कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ से आउटपुट कॉन्टैक्ट उठा लिया है, अंडर वोल्टेज लिखा हुआ देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप, मैंने अंडर वोल्टेज से लिंक के थ्रू वही यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये जो रीनेम किए थे मैंने, ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने इसको रीनेम कर किया था, तो और ये ब्लॉक यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिले 86 ट्रिप वन टी से सेल्थी ओवर करंट अर्थ फॉल्ट 86 ट्रिप टू 86 फॉल्ट स्पेयर अंडर वोल्टेज स्पेयर, तो देख सकते हैं अंडर वोल्टेज स्पेयर को फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करेंगे क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट है हमने उससे इसको ऑपरेट करेंगे। जो हमने अभी जो ऊपर हमने यहाँ पर अंडर वोल्टेज मेन वाला लिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट बन जाता है, यहाँ से इसको हम ले करके इस तरीके से इस वाले कॉन्टैक्ट को भी, क्योंकि इधर से अंडर वोल्टेज और वोल्टेज कोई भी आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो ऑपरेट हो जाएगा, तो उसका कॉन्टैक्ट ये ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ से ये स्पेयर वाला कॉन्टैक्ट भी फ्रेंड्स यहाँ पे अंडर वोल्टेज स्पेयर भी ऑपरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने कनेक्ट किया, यानी इधर से कुछ भी आएगा तो यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात एक ही होती है तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अंडर वोल्टेज को ऑपरेट कर सकते हैं यदि आपके मल्टीपल कॉन्टैक्ट यूज होते हैं तो। जैसे कि हमारे दो कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूज हुए थे तो मैंने इनको मेन कॉन्टैक्ट को हमने इस तरीके से ऑपरेट कर लिया, सेकेंड कॉन्टैक्ट को हमने उसके आउटपुट जो उसका कॉन्टैक्ट होता है उससे यहाँ पर ऑपरेट कर दिया। आप डायरेक्ट भी इसको कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते थे। देख सकते हैं हम यहाँ पे एक और गेट और लेंगे जो ओवर करंट अर्थ वोल्ट की आउटपुट का और गेट से आउटपुट निकली है उसको एक और गेट के अंदर और दे देंगे हम यहाँ पे, देख सकते हैं। तो यानी हमारा जो आउटपुट है अलग अलग ऑपरेट होगा, तो जो हमारा 86 जो फॉल्ट है उस वो यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। देखिए यानी अर्थ फॉल्ट आए या ओवर करंट आए तो हमारा यहाँ पे जो है 86 देख सकते हैं ट्रिप वन यहाँ पे हमारा ऑपरेट हो जाएगा। देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, यदि इनमें से कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। देख सकते हैं इसी प्रकार हम यहाँ पर 86 के हमारे और भी मल्टीपल जो है रिले आउटपुट थी तो उसको भी यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ओवर करंट को ऑपरेट करेंगे। देखिए हम इसको ऊपर यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर्सर की सहायता से ले जा सकते हैं। ओवर करंट के और गेट से एक लिंक हम उठाएंगे और ओवर करंट की जो है फ्रेंड्स जो हमारा एलिमेंट है आउटपुट रिला एलिमेंट है उससे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ओवर करंट पर ये वाला एलिमेंट हमारा ऑपरेट हो जाएगा। इसी प्रकार अर्थ फोल्ट के लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे, देख सकते हैं अर्थ फोल्ट की आउटपुट से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी इंडिविजुअल अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट भी होगा तो हमारे आउटपुट जो रिले है वो इंडिविजुअल भी यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से यहाँ पर आपको जो है बाकी के एलिमेंट भी किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे TCS का सर्किट बना के दिखाता हूँ, जो आप देख सकते हैं जो हमने जो हमारे DI थे यानी ऑप्टो इनपुट थे उनका यूज करके हम TCS का सर्किट यहाँ पे आपको बना के दिखाएंगे। देखिए हम यहाँ से ऑप्टो सिग्नल लिया और इसको यहाँ पर हमने ला के छोड़ देते हैं तो इस तरीके से छूट जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे लिखा हुआ TCS प्री और पोस्ट। सबसे पहले हम प्री वाला एक ब्लॉक लेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक बन के आ जाएगा, उसके बाद वहीं से उठाएंगे दूसरा ब्लॉक छोड़ देंगे यहाँ पे पोस्ट के लिए, ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों इनपुट हमने यूज कर लिए। यहाँ पे हम एक और गेट लेंगे यानी प्री आए या पोस्ट आए, और गेट का मतलब होता है यदि कोई भी सिग्नल आए ये पास करेगा वन, या जीरो वन हो या वन जीरो हो या वन वन हो तो यहाँ पर आउटपुट हमें वन ही मिलेगा, तो ये और गेट का फंडा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने और गेट लगाया, दोनों इनपुट दे दिए, उसके बाद यहाँ पे TCS हेल्दी यहाँ से हमने जो रिले आउटपुट एलिमेंट है वो यहाँ से ले लिया है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे लिंक की सहायता से। इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हमने,
आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारा टीसीएस का सर्किट भी यहाँ पे बन गया है। यदि आपको और भी कोई सर्किट बनाना हो ऑप्टो इनपुट की हेल्प से, तो यहाँ पे इस तरीके से आप और गेट और एंड गेट का यूज करके बना सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम अब बाकी का जो सर्किट है देख सकते हैं। यहाँ से हमने एक एलिमेंट और लिया है 86 ट्रिप 2, इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके करेंगे और जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू हम इसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। देख सकते हैं दूसरा भी ले लेते हैं यदि दूसरा कोई कॉन्टैक्ट है तो। ये देख सकते हैं 86 फॉल्ट स्पेयर वाला भी हमारा है, तो हमने दोनों कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले लिए हैं। और यहाँ पे हम एक आउटपुट कॉन्टैक्ट जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अंडर वोल्टेज ऑपरेशन के लिए, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी ऑपरेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 86 ट्रिप 1, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो भी हमने यूज कर लिए हैं वो सारे आउटपुट यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरा आउटपुट भी हमने यहाँ पे उससे कनेक्ट कर दिया है, यानी कि जब हमारा 86 वन यहाँ पर ऑपरेट होगा तो बाकी के 86 कॉन्टैक्ट भी रिले के आउटपुट हैं वो भी ऑपरेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपने रिले आउटपुट पर एक चीज़ देखी होगी 0 पिकअप, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा आउटपुट कॉन्टैक्ट था डिले उसमें दे सकते हैं पिकअप में। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पिकअप ड्रॉप ऑफ डोवेल पल्स पिकअप ड्रॉप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रोथ और लेचिंग। यहाँ पे पिकअप वैल्यू का टाइम भी आप डाल सकते हैं, ड्रॉप ऑफ वैल्यू का टाइम भी डाल सकते हैं जब आप ड्रॉप ऑफ इसको सिलेक्शन करेंगे। इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है तो आप टाइम डाल सकते हैं, उतने टाइम के बाद ही जैसे पीछे से अंडर वोल्टेज आएगा ओवर वोल्टेज आएगा जो भी सिग्नल आएगा आपका आउटपुट कितनी देर बाद ऑपरेट होना है यहाँ पर उसका आप टाइम डाल सकते हैं। देखिए 1 सेकेंड 10 सेकेंड 100 सेकेंड जितनी भी मिली सेकेंड डालने आप यहाँ पर इसको मिली सेकेंड में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी सिग्नल है उनको आप अपने रिक्वायरमेंट करो कि टाइम उसी टाइम से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी में 0 0 हमने यहाँ पे 0 पे पिकअप किया हुआ है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमको जो रिले का आउटपुट है वो डिले के साथ ऑपरेट करना हो तो यहाँ पे आप डिले के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे जो भी आउटपुट कॉन्टैक्ट है उनको भी कॉन्फिगर कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं अभी हमारा कौन कौन सा आउटपुट कॉन्टैक्ट बचा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अभी कोई भी आउटपुट कॉन्टैक्ट यहाँ पे बचा नहीं है, यानी कि सारे के सारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम फॉल्ट रिकॉर्ड के लिए कि हमारा जब भी कोई फॉल्ट आएगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा रिले के अंदर, उसके लिए हम यहाँ पे FRT लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 86 ट्रिप 1 लेंगे, उसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जब भी ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट यानी 86 फॉल्ट आएगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमारा इतनी बार ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट हुआ है, जो भी सिग्नल हुआ है यानी कि 86 फॉल्ट हुआ है वो कितनी बार हुआ है वो यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉल्ट रिकॉर्ड की सेटिंग भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको LED की सेटिंग करके दिखा देते हैं कि कौन से फॉल्ट में हमको कौन सी LED लानी है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप LED की सेटिंग कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेड टूल बार के अंदर रेड जो एलिमेंट है उसको उठा करके यहाँ पे हमने छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं LED इस तरीके से यहाँ से उठा सकते हैं। फंक्शन की LED अलग है, रेड LED 1 LED 2 LED 3 इस प्रकार इसमें टोटल 8 LED होती हैं, रेड LED 8 होती हैं। देख सकते हैं उनके DDB नंबर है, यदि आपको LED लेच करने तो आप इसको लेच भी कर सकते हैं। देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे इसमें लेचिंग का ऑप्शन भी है, यानी कि हमारी LED यहाँ पे लेच हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे हम LED 1 सेलेक्ट करेंगे। देखिए LED 1 पे हमारा ब्लू कलर दिखा सेलेक्ट हुआ, ओके किया, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसको 86 पे जो हमारी LED 1 है 86 पे हम यहाँ इसको ऑपरेट करेंगे रेड LED। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओवर करंट पर हम LED 1 लेंगे, ये देखिए लिंक के थ्रू हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे ऊपर वाले एलिमेंट से। यदि हम नीचे वाले एलिमेंट से जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये ग्रीन हो जाएगी, और यदि हम इसको दोनों से जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे येलो हो जाएगी, तो हम सिर्फ यहाँ पे इसको रेड LED ही लेंगे। उसके बाद सेकंड LED फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेंगे, उसको हम लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, देखिए सेकेंड LED कनेक्ट की, उसके बाद हम यहाँ से जो कॉन्टैक्ट एलिमेंट है वहाँ से उठाया हमने अर्थ फॉल्ट के लिए। देख सकते हैं सेकेंड एलिमेंट हमारा अर्थ फॉल्ट के लिए यहाँ पर हो गया है, लिंक के थ्रू इसको जोड़ दिया जाएगा। देखिए जैसे ही अर्थ फॉल्ट होगा फ्रेंड्स यहाँ पे LED 2 हमारी जो है फ्रेंड्स वो रेड कलर में आ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट LED लेते हैं। देख सकते हैं LED उठाई हमने यहाँ से, उसके बाद हमने इसको छोड़ा LED 3 है फ्रेंड्स, ओके किया, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट से जो हमारा रिले कॉन्टैक्ट है वहाँ से उठाया। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर TCS हेल्दी ओवर करंट काफ़ी सारे, तो हम यहाँ पे अंडर वोल्टेज, तो हम यहाँ पे अंडर वोल्टेज के लिए LED जो है थर्ड ले लेते हैं, यानी कि जब हमारा अंडर वोल्टेज होगा तो हमारी LED थर्ड आएगी। देख सकते हैं हमने लिंक के थ्रू इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिंक है, उसके बाद जो हमें 4th LED है वो उठा लेते हैं। देखिए यहाँ से उठाएँगे, उसके बाद यहाँ पर छोड़ देते हैं और
ओके करेंगे तो हमारी एलईडी 4 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एलिमेंट छोड़ देंगे यहाँ पे देखिए। उसके बाद टी से सेल्ती, यानी कि जो हमारी एलईडी 4 होगी फ्रेंड्स वो टी से सेलती होगी। आप देख सकते हैं रिले में भी मैंने एलईडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है, और एलईडी 4 फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो है हमारी ये कंटिन्यू जल रही है। हमने इसमें प्रोग्राम भेजने के बाद ये वाली एलईडी इस तरीके से आती है। ये मैंने प्रोग्राम भेजने के बाद का फ़ोटो आपके इस पर लगाया हुआ है, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमारी एलईडी और हमारे आउटपुट कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देते हैं जिससे कि हमको देखने में अच्छा लगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, यदि आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लुक वाइज अच्छा लगे तो उससे ड्रेसिंग करने में अच्छा ये हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार हमारा यहाँ पे लॉजिक बन के तैयार हो गया है। डेटा को हम सेव कर देंगे सेव बटन से, और देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑप्टो इनपुट सिर्फ 2 ही यूज किए हैं। यदि आपके रिक्वायरमेंट है ज़्यादा यूज करने को तो आप इसमें ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, आप यहाँ पे फ्रेंड टाइमर का यूज़ करना हो तो आप टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए टाइमर है, ओके करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक आता है, पिकअप ड्रॉप अप डोवेल पल्स पिकअप ड्रॉप अप। आप यहाँ पे अलाउ चेंज इन सेटिंग मेनू, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने इनपुट का यहाँ पे आपको टाइमर चाहिए, यहाँ पे वो इनपुट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रेंड यहाँ पे PSL के अंदर टाइमर का यूज भी कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे सर्किट पूरा हो गया, हमने जो PSL वाला पेज था उसको क्लोज कर दिया है, सेटिंग वाले पेज को क्लोज कर दिया है। देखिए सिर्फ हम PSL यहाँ पे सेंड करेंगे, ये वाला फोल्डर हमने सेलेक्ट किया जो मेन मेन्यू है जिस पर लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं दो तरीके से आप इसको यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। देखिए हमने उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेंड का ऑप्शन आता है, यहाँ से सेंड करेंगे, या ये एरो जो ऊपर को दिखा रहा है इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है। क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेरेंस आता है। टेस्ट कनेक्शन करता है पहले ये, उसके बाद ये इस तरीके का इंटरफेरेंस आता है, प्रोफाइल यहाँ पर खुल के आ जाते हैं। देखिए सेटिंग हमने पहले भेजी थी वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर PSL भेजेंगे, सेलेक्ट किया, उसके बाद अभी नीचे सेंड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमने इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पर सेंड हो जाएगा। पासवर्ड मांगेगा सेंड होने से पहले फ्रेंड्स, पासवर्ड कैपिटल में 4 times A है तो हमने यहाँ पे उसको ओके किया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो डेटा है फ्रेंड्स यहाँ पे रिले के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो हमने PSL बनाई है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सिस्टम के रिकॉर्डिंग जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी वो PSL यहाँ पे इसके अंदर चला गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे PSL को सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी हमने यहाँ पे PSL बनाया था हमने रिले में सक्सेसफुली सेंड कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे डन लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जी एलस्टोम और स्नाइडर की जो हमारी रिले होती है उनमें PSL इसी तरीके से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स यदि आपने सेटिंग की वीडियो सेटिंग कैसे करते हैं वो नहीं देखी हो तो आप उसको आई बटन से जरूर देख लें या चैनल पर विजिट करके जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।